अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद हसनैन अलमानी और आप देख रहे हैं यार अलमानी। दोस्तों आज जो है ना दो अलमानी की टीम्स के दरमियान फ्रेंडली मैच हो रहा है वॉलीबॉल का, तो जिसमें एक टीम है अलमानी लायंस की और एक टीम है अलमानी ईगल्स की। तो दोनों टीम्स के कैप्टन हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि ये एक फ्रेंडली मैच है, मतलब ये किसी किस्म का कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा, तो एक जस्ट फ्रेंडली प्रैक्टिस मैच है। तो सबसे पहले बात करते हैं अलमानी लायंस के कैप्टन मुइन अमजद अलमानी से कि उनकी टीम की स्ट्रेटजीज़ क्या हैं और वो किस तरह इस गेम को टैकल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुइन अमजद, कैसे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी है आज के मैच के हवाले से, आप किस तरह मतलब मैच जीतने की कोशिश करेंगे। देखिए एक वॉलीबॉल का एक फ्रेंडली मैच है, हमारे प्लेयर भी तकरीबन है, क्योंकि ये यानी कि अच्छे प्लेयर तो नहीं है, यानी कि अभी सीख रहे हैं, तो पॉइंट वाइज हो गए, यानी कि दो दो पॉइंट तीन तीन पॉइंट के हिसाब से हम खेलेंगे, यानी कि एक स्ट्रेटजी के साथ हमारी यही होगी कि आहिस्ता आहिस्ता गेम आगे बढ़ाए। तो आप मुझे ये बताइए कि आप कौन कौन से प्लेयर्स पे ज़्यादा रिलाय करना चाह रहे हैं, मतलब जो आपके की प्लेयर्स हैं, मतलब जो ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। हमारे पास सैम ठहरा हुआ है, वो हमारा सेंटर का प्लेयर है, आमतौर पर वो खेलता है, और साथ में हमारा मुबशिर है, और दूसरे एक दो भी अच्छे प्लेयर है जो अच्छी गेम खेलते हैं। सही सही, तो आपको क्या लगता है मैच जीत जाएंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम जो है ना दूसरी टीम को शिकस्त दें, दूसरी टीम भी आराम से थोड़ी सी तकड़ी है, उसके अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन कोशिश करेंगे हम जीत। चलें, विश यू ऑल द बेस्ट, उम्मीद है आप जीत जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अलमानी ईगल्स के कैप्टन मोहम्मद अब्दुल्ला अलमानी से, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या स्ट्रेटजीज हैं और ये किस तरह ये मैच निकालने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप। ठीक ठाक, आप सुनाइए। तो आप बताइए क्या क्या प्लान्स हैं आपके आज के मैच के हवाले से। हम आज का मैच अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे और हमारी टीम भी दूसरी टीम से थोड़ी स्ट्रांग है, इंशाल्लाह हम जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपकी टीम में की नोट प्लेयर्स कौन कौन थे जो मतलब ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। हमारे दो तीन प्लेयर हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं, समद है जैसे आमिर भाई हैं, और समद आमिर भाई समद और मोहसिन भी अच्छा खेलता है, काफ़ी अच्छा खेलते हैं। उसके अलावा जैसे आप भी कह रहे हैं और अलमानी लायंस के कैप्टन भी कह रहे हैं कि आपकी टीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो उम्मीद है आप मैच निकाल लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। चलें, आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद है आप दोनों मैच अच्छा निकाल लेंगे। इंशाल्लाह फिर देखते हैं मैच के बाद के रिजल्ट क्या आता है। चलें, थैंक यू। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ एक बार फिर, ये एक फ्रेंडली मैच हो रहा है अलमानी टीम्स के दरमियान, एक टीम है अलमानी लायंस और एक है अलमानी ईगल्स। तो अलमानी ईगल्स का लास्ट पॉइंट रहता है, लास्ट टू पॉइंट्स, और अलमानी लायंस का आई गेस 5 पॉइंट्स रहते हैं। तो देखते हैं कौन जीतता है। और ये सर्विस मुइन अमजद ने सर्विस कराई है, आतिफ सिद्दीक ने फाउल कर दिया। स्टिल मैच काफ़ी इंटेंस चल रहा है, लास्ट के जो कुछ पॉइंट्स थे ना उसमें जो है ना मैच काफ़ी लंबा चल रहा है, और ये अलमानी ईगल्स ने फाउल कर दिया। सो इस वक्त 17 स्कोर हैं अलमानी लायंस के और 19 हैं अलमानी ईगल्स के।
अलमानी ईगल्स काफ़ी देर से 19 पे अटके हुए हैं, इनको सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए मैच जीतने के लिए और अलमानी लायंस को चाहिए 4 पॉइंट्स। सर्विस चेंज हुई है, आई थिंक वंस अगेन उन्होंने गेम के जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ा दिए हैं, पहले 16 थे फिर इन्होंने 20 की, अब आई गेस 24 का मैच हो रहा है, 24 पॉइंट्स का। अलमानी ईगल्स के हैं इस वक्त 21 और अलमानी लायंस के हैं 17 और अब सर्विस चेंज हुई है। मैच काफ़ी इंटेंस चल रहा है, दोनों प्लेयर्स आपस में फाइट कर रहे हैं, एक एक फॉल के पीछे, एक एक गोल के पीछे। तो इस वक्त आई गेस इनके अलमानी लायंस के हैं 24 और अलमानी ईगल्स के हैं 26। लेट्स सी हु विंस। इस मैच में जो मेन चीज़ मुझे देखने को मिल रही है वो है मिस मैनेजमेंट, या आप कह लें कि आपस में इनका जो है ना मिस कोऑर्डिनेशन ज़्यादा हो रही है, तो ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे प्लेयर के मुझे ये बॉल खेलनी है या दूसरे प्लेयर को, तो इसकी वजह से थोड़े से स्कोर्स जो है ना जितने बनने चाहिए थे पॉइंट्स उससे ज़्यादा ही बन रहे हैं और इजी पॉइंट्स जा रहे हैं दोनों टीम्स को। तो देख रहे हैं कि क्योंकि मैच जो ना लास्ट पॉइंट्स पे पहुंच चुका है तो इसलिए एक एक पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा फाइट हो रही है, एक एक फाउल पे काफ़ी ज़्यादा फाइट हो रही है। तो दोस्तों मेरे आपकी तरह मुझे भी इंतज़ार है कि कौन जीतता है इनमें से, क्या अलमानी लायंस मार्का मार लेंगे या फिर अलमानी ईगल्स। और यहाँ से माज ने खेला है और उनके सामने उनका मुकाबला करने के लिए उनके भाई थे मोहम्मद आन, बट क्योंकि बॉल जो है ना लाइन के बाहर थी तो वो फाउल हुआ है। तो इस वक्त पॉइंट्स चल रहे हैं 28 एंड 26 एंड 30 पे मैच ओवर होगा, 30 पॉइंट्स पे। और इस वक्त जो है ना अलमानी लायंस का पलड़ा काफ़ी भारी चल रहा है क्योंकि उनके हैं 29 पॉइंट्स और अलमानी ईगल्स के हैं 26 पॉइंट्स। तो देखते हैं क्या है, गेम बॉल चल रही है इस वक्त 29 पॉइंट्स पे। और इस वक्त 30 हो गया, अब लास्ट पॉइंट है अब, तो अलमानी लायंस मैच जो फिल वक्त लग रहा है कि मैच जीत जाएंगे, हालांकि मैच के शुरू से लेकर ऑलमोस्ट आखिर तक अलमानी ईगल्स का पलड़ा काफ़ी भारी चल रहा था और ये अलमानी लायंस जीत गए हैं। तो इस तरह ये मैच जो 16 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था वो टोटल 30 पॉइंट्स तक गया और अलमानी लायंस फाइनली जीत गए। मेरे साथ मौजूद है विनिंग टीम अलमानी लायंस के कैप्टन मोहम्मद मुइन अमजद करीम। तो
इनसे पूछते हैं कि कैसा रहा मैच और इनको जीत कर कैसा महसूस हो रहा है। ज़बरदस्त एक अच्छा मैच था, क्योंकि हवा भी थोड़ी सी चली हुई थी, इसी वजह से थोड़ा सा गेम में थोड़े मसाइल आ रहे थे, क्योंकि गेंद जो था इतना ज़्यादा वजन नहीं था, इधर उधर घूम रहा था, जीतने में थोड़ी सी मुश्किल आते हैं, लेकिन आखिरकार हम जीत गए। 3-4 बार हम खसारे में गए और मुकाबले टीम बहुत ज़्यादा लीड लेके गई थी, लेकिन अलहमदिल्ला आखिर में मैंने, मुझे यही लग रहा था कि जितना ओवरऑल मैच मैंने देखा था तो शुरू से लेकर आखिर तक ये लग रहा था कि अलमानी ईगल्स का पलड़ा भारी चल रहा था, लेकिन एंड में आप लोगों ने मैच मार लिया। हाँ बिल्कुल, आप क्या कहेंगे, किस प्लेयर को कहेंगे या आप क्या कहना चाह रहे हैं, पूरा टीम वर्क था जिसकी वजह से आप मैच, ये एक बुनियाद पर टीम एफर्ट थी, लड़कों ने बहुत अच्छी मेहनत की, यानी कि आखिर में जो थी तकरीबन 8-10 पॉइंट का खसारा चल रहा था, लेकिन उसके बाद अच्छा कम बैक किया, उसके बाद तमाम ने मेहनत की और आखिर में हम विन कर गए। बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा लगा, मैच बहुत इंटरेस्टिंग रहा, तो मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, शुक्रिया। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।